तो गाइस अभी हम लोग सारचू क्रॉस करके आ गए और हालत देख सकते हो क्या हाल हो रखा है। ये देखो तो ये पूरा डस्ट फस्ट हो गया। ये देखो घाटा लुक्स का जाम। अरे बंद कर लो भाई, अरे भाई यहाँ से जो अपनी स्लोप डाउन हो रहे हैं तो जहाँ नीचे उतरना है उसके वहाँ पे आएगा बिस्की नाला और उसके बाद में आएगा नकीला टॉप और फिर घाटा लुक्स। घाटा लुक्स के बाद में हम लोगों का आ जाएगा सरचू जहाँ पे मिलेगा अपने वो पूरा डस्ट भरा रोड। ये देखो एक और महिंद्रा का गाड़ी जिसका टेस्टिंग हो रहा है। चलो राजेश भाई आगे चलेंगे। सारचू यहाँ से दिखा रहा है अराउंड 46 या 47 किलोमीटर्स आई थिंक सो। तो देखा जाए टाइम हो रहा है 12 और 12 बजे के हिसाब से हम लोग अच्छा चल रहे हैं, काफ़ी हद तक डिस्टेंस कवर कर लिया क्योंकि यही वाला रोड है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। और आगे है नकीला टॉप आगे वाला। ये जो दो लाचुंगला और नकीला इसके आसपास में इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है ना भाई साहब, मतलब फटके हाथ में आ जाते हैं। तो ये है नकीला टॉप और यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे पत्थर वाला बना के रखा हुआ है। एंड नकीला का जो ऑल्टीट्यूड है दिस इज़ 15,547 फीट। मज़ा आएगा, अपन लोग भी एक ऐसा पत्थर वाला बनाएंगे। सो गाइज आज का हम लोगों का थर्ड पास था नकीला पास जो कि है 15,547 फीट पे और जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे पता नहीं लोगों का कुछ मान्यता होगा यहाँ पे ऐसे पत्थर पे ऐसे ये पिट्ठू वाला टाइप सा लग रहा है मेरे को तो, बट पता नहीं क्यों बनाते हैं वैसे। काफ़ी जगह देखा है मैंने और ये भी है मैनेज्ड बाय प्रोजेक्ट हिमांक और अच्छा है, काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी इसके बाद रह गया अपना सरचू, उसके बाद बारह लच्चा। बहुत तेज जोश है आज, सारे पास को पास कर देंगे। आज पास है, पास है। तो बस विश यही है कि सरचू में वो क्रेन से थोड़ा सा रोड का मिट्टी हटा रहे होते हैं, वो थोड़ा रोड डबलिंग कर रहे हैं तो वो ना मिले अपने को, बस बाकी सब चंगा है। मिलेगा। और नहीं मिलना चाहिए यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा, 40 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी ऐसा हो रखा है कि यहाँ पे पूरा उधर वाले पहाड़ी में बर्फ गिरी है बिल्कुल फ्रेश, अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है। अभी कौन सा वाला पहाड़ी है आई डोंट नो, मे बी शायद बारलाचा वाला ही रहेगा। तो अभी मैं भी बना दिया हूँ इसका ऐसे पत्थर से, इसका ऐसे ये पत्थर से जो भी बनाते हैं भाई साहब कारीगरी है, मतलब लोग पत्थर ढूंढ ढूंढ के बना रहे हैं, अपन ने कैसे भी बना दिया इसको। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:42 और हम लोग अभी नकीला पास क्रॉस किए हैं। यहाँ से घाटा लूप शुरू हो जाता है जस्ट इस पहाड़ी के राइट साइड वाला, मतलब उस साइड से घाटा लूप शुरू हो जाता है। भाई साहब समझ में आया कि ये रोड्स कौन लेके जाता है, ये देखो ये जो शॉर्टकट बने होते हैं ना ये वाली कार्स लेके जाती है, उसने सीधा वहाँ से नीचे पहुँचा दिया भाई साहब गजब। ये देखो ये क्या ट्रक का हाल हो रखा है यहाँ पे भाई गॉड, ये पूरा ही पलट गया है। हिमाचल का नंबर था सीरियसली, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्की रोड है एक्चुअली ट्रक्स के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अचानक से हाइट पकड़ती है, लूप्स हैं और फिर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम ली थे तो अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाके अपना घाटा लूप शुरू हो जाएगा। हाँ तो पहले हॉर्न देना होता है, बाद में नहीं देना होता है। तो बस ऐसे लोगों से सावधान रहना, बाकी कोई नहीं है, बाकी ट्रक वाले बहुत अच्छे चलाते हैं यहाँ पे, ट्रक वाले साइड भी दे देते हैं। इधर पे लिखा हुआ है घाटा लूप स्टार्ट टोटल 21 लूप्स ऑल्टीट्यूड 4,667 मीटर। ये जो है ये घाटा लूप्स है, यहाँ 21 लूप्स आते हैं नीचे से स्टार्ट होते हुए सीधे ऊपर आते हैं और देन उसके बाद में वहाँ पे उधर सरचू स्टार्ट हो जाएगा। सरचू में पूरा मिट्टी वाला रोड है, अभी अपना ऑलरेडी गंदा हो रखा है तो टेंशन वाला बात नहीं है, आगे जाके वैसे भी ड्राई क्लीनिंग के लिए देना पड़ेगा।
तो ये वाला जो है यहाँ पे ये मंदिर है एक्चुअली। तो यहाँ पे बेसिकली पानी चढ़ाया जाता है, सिगरेट चढ़ाया जाता है, सिगरेट बीड़ी चढ़ाया जाता है, जो हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम अपने को ये दिखा नहीं था, पता नहीं क्यों यहाँ पे टेंपल बना हुआ है, एक टेंपल बना हुआ है। एक ट्रक ड्राइवर का डेथ हो गया था जिसमें, जो कि ट्रक यहाँ पे अटक गया था रात में और पूरा बर्फ़ गिर गई तो उसकी वजह से उसका डेथ हो गया। तो उसके चक्कर में सब लोग यहाँ पे पानी के बॉटल, बियर, सिगरेट और वो सब चढ़ाते हैं। यहाँ का एक क्विक फ़ोटो लेते हैं। अभी अपन लोग निकलते हैं आगे यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को अभी क्रॉस करना है सारचू, और सारचू में अपने को अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ये देखो घाटा लूप्स का जाम। अरे बंद कर लो वाइजर। अरे भाई तूने तो धूल धूल उड़ा दी। यहाँ पे हो जाता है घाटा लूप समाप्त और इसके बाद में अपने को थोड़ा सा सही रोड मिलेगा। यहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे घाटा लूप्स एंड्स टोटल 21 लूप्स। अभी हो चुका है ऑल्टीट्यूड 13,780। देख ये देखो, अभी यहाँ से अपने शुरू हो गए शरब रिवर और जो कि उस डायरेक्शन में बह रही है अपने अपोजिट। ये है विस्की बीआर, विस्की ब्रिज। अभी उधर वाला ब्रिज बन रहा है, बड़ा वाला विस्की ब्रिज बन रहा है, छोटा वाला विस्की ब्रिज खुला हुआ है, हम लोग इससे चलेंगे। दो यहाँ पे कुछ पानी वानी तो है नहीं, तो यहाँ पे विस्की ब्रिज है। ये कहीं विस्की लिखा हुआ, कहीं विस्की लिखा हुआ, नाम क्यों है मैंने लोकलाइट से भी पता किया बट उनको भी नहीं पता है, तो कुछ नहीं कर सकते। ये देखो ये होते साथी पीछे तक आ गए देखने के लिए कि क्या हुआ है। हाँ हम लोग गोप्रो का बैटरी चेंज करने के लिए कहते, अभी यहाँ से निकलेंगे, सारचू आने वाला है, पानी वानी पी लिया, गला सूख जाएगा बेटा। तो देखो तो यहाँ से शुरू हो चुका है अपना ऑफ रोड और सारचू है यहाँ से 22 किलोमीटर्स, तो जो ऑफ रोड है वो भी अपना 22 किलोमीटर्स का रहेगा। खतरनाक वाला ऑफ रोड है भाई, मतलब यहाँ पे ऐसे मिट्टी नहीं है, मतलब अजीब सी पतली मिट्टी है, मतलब वो पूरा मिट्टी के बॉम्ब बन के बूम करके फूटते हैं। इसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई गई। यहाँ पे पूरा जो रोड है बना बनाया रोड उखाड़ रहे भाई, क्या लॉजिक है। अरे भाई निकलने दे, हाँ जल्दी से निकलने दो, भैया दिल्ली जाना है यार। हाँ थैंक यू। ओ अच्छा, वो तो पहचान गए होंगे, अरे तुम ही तो गिरे थे, तुम तो जल्दी निकलो। यहाँ पे ना थोड़ा सा बारिश वारिश वाला सीन हो जा रहा है। वी आर जस्ट होपिंग कि हम लोग बारिश क्रॉस कर जाएं, बारिश नहीं चाहिए अपने को, अलग एडवेंचर हो जाएगा। माय गॉड आज का राइड ऑलरेडी डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए। ओह राजेश भाई की बाइक अपनी आगे से जा रही है और ये पूरा धूल मिट्टी, माय गॉड ये सबसे ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट पैच लगता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बाइक जो है धस जाती है अंदर। सारचू 16। अरे यार ये काले बादल क्यों आ गए भाई, ये देखो कैसे सब रखा रास्ता। ओ भाई साहब
यहाँ पे भी तेज है एक्चुअली बारिश। मैं वाइजर यहाँ पे ओपन कर नहीं सकता, कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आईज में ना इन्फेक्शन हो गया था, कैसे करके तो गया है वो। अभी तो धूप थी ना, बट दिख रहा है मेरे को, अभी तो बराबर से दिख रहा है। ये सर गए थे हम लोग तो थोड़ा सा कम था, अभी आए हैं तो अलग ही हो गया भाई। अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हो गया। आगे से अरे भाई साहब बहुत गंदा रास्ता है यार ये। देख रहे हो मतलब यहाँ पे अलग ही मौसम चेंज हो रखा है। बस थोड़ा सा और रह गया। अरे 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 भाई ओ आगे का रास्ता बस इसलिए बेटर हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ट्रक के थोड़ा सा लेफ्ट में चल रहे हैं। अरे यार भाई गुड लग गई भाई, बूंदें और पड़ रही, दिमाग खराब हो रहा है। सोचो बारिश अगर हो जाती और अपन लोग फिर नहीं कर पाते, ये क्या हाल होता। लेंस ऑफ कर लेता हूँ। ओह माय गॉड एक्सट्रीम लेवल है। अभी जाके अपने को सही रोड मिल गई है, मतलब ये हाल तो देख लो यार है? अरे यार फिर से शुरू हो गया शैबैन, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है उधर वाला रूट सही है बस, बाकी इधर वाला पूरा ख़राब है। आगे जो दिख रहा है उस साइड में चेक पोस्ट है जहाँ से बाइक की एंट्री करके आना पड़ता है। तो हम लोगों का प्लान थोड़ा सा सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है कि हम लोग यहाँ से मनाली पहुँचेंगे सीधा। ओह मैन अब करो थम्स अप सबको, थम्स अप सबको। देखो हमारी हाल, देखो हमारे हाल। तो हम लोग सारचू तो फाइनली पहुंच गए हैं और बाइक वाइक खड़ी करके थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, भूख लग गई है भाई। तो गाइस अभी हम लोग सारचू क्रॉस करके आ गए और हालत देख सकते हो क्या हाल हो रखा है। ये देखो मतलब ये पूरा डस्ट फस्ट हो गया और बाइक का तो हाल ऐसा हो ही रखा। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ताज होटल, बाप रे। तो यहाँ पे वाई वाई खाएंगे और थोड़ा सा चाय वाय पी लेंगे, देन उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे मनाली तक। तो ब्रेकफास्ट करते हैं।